alaikum everyone i hope you all are doing well i am alisha and welcome back to another video of my youtube channel so guys i hope that you all are okay. and today we are going to talk about a very interesting topic and that is हाउ टू स्टडी इन ज्वाइंट फैमिली ठीक है तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये और बहुत कम इसके ऊपर अवेयरनेस है कि जॉइंट फैमिली में किस तरीके से प्रोडेंट आई नो कि कितना मुश्किल है जॉइंट फैमिली में स्टडी करना इतना इतना शोर होता है हर तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों की भागम दौड़ कभी थप्पी का बच्चा तंग कर रहा है कभी चच्ची का बच्चा तंग कर रहा है तो बहुत सारे मसाइल होते हैं कभी आपस में सब मिलके औरतें गॉसिप्स कर रही होती हैं वो चीज़ें इतना तंग कर रही होती हैं आपको तो कैसे बचा जाए कैसे स्टडी की जाए इस वीडियो में बात करेंगे हम उस बारे में ठीक है तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ सिबलिंग्स के साथ शेयर भी करना है एंड बिफोर आई गेट into the द टॉपिक प्लीज़ subscribing सब्सक्राइबिंग YouTube channel. चैनल डोंट to टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो लेट्स गेट the video. द वीडियो सो so स्टूडेंट सबसे पहले जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ वो ये है कि आप जब भी स्टडी कर रहे हो तो आप ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो बहुत हार्ड होते हैं और आपके आपके ईयर को आप तकलीफ़ भी पहुँच सकती है आप अगर वन आवर के लिए स्टडी कर रहे हो टू आवर्स के लिए कर रहे हो पूरा दिन में बार बार स्टडी के सेशनस ले रहे हो तो ईयरफोन से आपके कानों में कोई आपको बहुत पेन भी हो सकता है तो उसकी जगह पर आप लोग ईयर प्लग्स का यूज़ कर यूज़ कर सकते हो ठीक है ईयर प्लग्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे जो कि थर्टी या सिक्सटी रुपीज़ के होंगे तो आप आराम से ईयर प्लग्स लेके वो बहुत सॉफ्ट होते हैं लगा के आराम से पड़े नो झंझट किसी की आवाज नहीं आएगी और भले घर में लड़ाइयाँ हो रही हों जो मर्जी हो रहा हो आप आराम से वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में हम तो अपनी मस्ती में सो आपने वो काम करना है आपने एयर प्लग लगा के बस अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है सही है सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि आप कोशिश करें कि यहाँ तो सुबह के टाइम पढ़ें या रात के टाइम पढ़ें ठीक है जब सुबह के टाइम भी सारी बात है सब बच्चा पार्टी घर वाले सब सो रहे होते हैं आप सुबह चार बजे उठें चार बजे से लेकर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करें ठीक है अगर सुबह आपकी नींद बहुत पक्की है नहीं उठ सकते तो आप रात के टाइम पढ़ें रात के टाइम इस तरह से अगर आपके घर में सब ग्यारह बजे सो जाते हैं ठीक है तो आप ग्यारह बजे से स्टार्ट करें या तो दस बजे से स्टार्ट करें क्योंकि तो दस बजे तक घर में थोड़ा हल्का हो जाता है हर कोई आराम आराम से अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं सब ठीक है तो आप तब से स्टार्ट करें और रात दो या तीन बजे तक अपना सेशन जो है लेकर चलें ठीक है या फिर कुछ घरों में दोपहर के टाइम सोने की टाइमिंग्स होती हैं तो जब उस टाइम पर सो रहे हैं तो मतलब जिस टाइम पर बाकी सब सो रहे हैं आप कोशिश करें ज़्यादातर कि आप उस टाइम पर अपना स्टडी का शेड्यूल बनाएँ ठीक है उसके अलावा जो है ज्वाइंट फैमिली में डिस्ट्रैक्शन अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो होती हैं कि लाइव जो होती हैं स्ट्रीम्स होती हैं स्टडी आवर्स जो होते हैं है, उसकी मोटिवेशन होती है अ, मेरे चैनल पर भी आपको वन आवर स्टडी सेशन मिल जाएगा एक ही वीडियो है उसकी बट आपको मैं वही रिकमेंड नहीं कर रही आपको दो घंटे पढ़ना है तीन घंटे पढ़ना है चार घंटे पढ़ना है तो YouTube पे बस जाएं और सर्च करें कि वन आवर टू आवर थ्री आवर लाइव स्टडी सेशन ठीक है तो आपने उस वीडियो को चला आगे अपने सामने रख देना है और उस जो यूट्यूबर है उसके साथ साथ आपने करनी है वो भी उस टाइम उतने, उतने स्टडी करेंगे है। तो जब आपको टारगेट मिलेगा आपने उसको पॉज नहीं करना बीच में से रोकना नहीं है आपने कंटिन्यू उसके साथ स्टडी करनी है ठीक है इस तरीके से आपके दो तीन घंटे आप आराम से उसके साथ बैठकर स्टडी कर पाओगे आपको एक पार्टनर मिल जाएगा स्टडी करने के लिए राइट उसके अलावा थर्ड जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वो सिर्फ तब काम करेगी अगर आपके आ, सिटी में घर के पास लाइब्रेरी है अगर लाइब्रेरी है तो गो टू योर लाइब्रेरी ठीक है तो आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं बहुत फोकसड होकर स्टडी कर सकते हैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कोई नॉइज नहीं वहाँ पर होगा ठीक है लेकिन अगर लाइब्रेरी नहीं है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाएं क्योंकि हम और अच्छे अच्छे टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसके बाद आपके लिए ये ट्रिक है ये टिप है कि आप अपनी प्राइवेसी के लिए अपने पेरेंट्स से पूछें ठीक है आप उनसे रिक्वेस्ट करें प्राइवेसी के लिए या अपनी जो फैमिली में चचा चची हैं ताए ताई हैं ठीक है, आ, ताय ताय है थीके? बड़े अंकल हैं कोई भी है अपने कज़न्स हैं उनसे बोलें कि प्लीज़ मुझे थोड़ी प्राइवेसी दें मैं अपनी स्टडीज़ करना चाहता हूँ करना चाहती हूँ ठीक है तो अच्छी बात है अगर आप आज अपने लिए स्टैंड ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा अदरवाइज आपको कल को रिग्रेट करना पड़ेगा कि काश उस टाइम स्टैंड ले लिया होता ज्वाइंट फैमिली की वजह से मैं स्टडीज नहीं कर पाई ये वो ठीक है तो कल आप रिग्रेट करें इससे अच्छा है कि आप आज उसके लिए स्टैंड लें और अपनी फैमिली से प्राइवेसी के लिए रिक्वेस्ट करें उसके बाद कुछ फैमिलीज होती हैं जो सपोर्ट नहीं करती जितना मर्जी प्राइवेसी के लिए बोल लो नहीं कोई सपोर्ट करता सुनता ही नहीं है कोई तो यहाँ पे डू और डाई ठीक है अब यहाँ पे ये सीन आ रहा है कि ये इस तरह की सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आप अपनी हिडन पावर्स को यूज़ कर सकते हो ठीक है डू और डाई सिचुएशन में आप अपनी हिडन पावर्स को यूज़ कर सकते हो और कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप ख़ुद को एडजस्टेबल बना लेते हो इतनी अल्लाह ने इंसान कह इंसान को पावर दी है क्योंकि हम अशरफुल अशरफुलमखलूकात हैं ठीक है तो आपने क्या करना है अपनी हिडन पावर्स को उस टाइम पर यूज़ करना है जितना मर्जी घर में शोर हो रहा हो कुछ भी हो रहा आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना आपने अपनी हिडन पावर्स को यूज करना है आपने उस अनफेवरेबल सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल बनाना है आपने कहना है भले जो मर्जी कर लो मैंने पढ़ना है मैंने पढ़ के दिखाना है आपको ठीक है आपने उन बैरियर्स के साथ फाइट करनी है उनको ब्रेक करना है अदरवाइज वो सीन हो जाएगा कि जो डर गया वो मर गया उसके बाद जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें उनसे बात करें कि प्लीज़ आपके साथ वो कॉपरेट करें एंड आई एम श्योर दे विल सपोर्ट यू क्योंकि पेरेंट्स हमेशा स्टडीज़ के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करते हैं तो आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है उनको कहना है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं या जो भी है एग्ज़ाम्स नहीं भी हैं अगर आप रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हो तो आपने उनसे प्राइवेसी के लिए पूछना है आपने उनसे कहना है कि कुछ भी करके मेरे लिए प्लीज़ कोई ऐसी अरेंजमेंट करें कि मैं पढ़ सकूं ठीक है क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है एंड दे विल सपोर्ट क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट एजुकेशन में बहुत सपोर्ट करते हैं तो आपने अपने पेरेंट्स से जरूर बात करनी है बजाय इसके कि आप अपने अंदर अंदर घुटते रहें कि यार कैसी फैमिली में पैदा हो गया इतने लोग हैं किस तरह से पढ़ूँ ये लेम मैं एक्सक्यूज नहीं देने कोई रास्ता निकालो जो मैंने पहले वाले पॉइंट्स आपको बताए हैं या तो उनको फॉलो करो या फिर अपने पेरेंट्स से बात करो एंड इन लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कीप योर माइंड अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूट इन योर फैमिली ठीक है डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज दोगे कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रही तो आप लूज़र हो ठीक है आपने विनर बनना है और विनर कभी एक्सक्यूजेज नहीं देते वो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं और जो करना होता है वो करके दिखाते हैं सो so अपने आप को आपने एक्सक्यूजेस नहीं देने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना एंड आई एन सीक्रेट एडवाइस फॉर यू गाइज दैट कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ जजाकल्ला हाफिज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक like भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा